विधानसभा क्षेत्र पामटा ग्राम पंचायत डांडा के स्थानीय लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल नाहन स्थित ASCPWD से मिला और बीते वर्षों से रुके पुल निर्माण को लेकर ज्ञापन सौंपकर जल निर्माण की मांग उठाई। दरअसल वर्ष 2017 में हाई कोर्ट द्वारा राव खड्ड पर पुल निर्माण करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुल बनाने को लेकर टेंडर प्रक्रिया भी की गई थी। बावजूद इसके अभी तक पुल निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर आज तक प्रतिनिधि मंडल ने ASCPWD से मुलाकात की और इस निर्माण कार्य को जल्द शुरू करने की बात कही है। उधर विभाग की ओर से मामले के समाधान के लिए लोगों को 15 दिन के समय के लिए कहा गया है। तो हमारा यहाँ आने का जो सबसे मुख्य मुद्दा था वो ये था कि हमारे धौली राव एक पुल बनना है। पिछले कई वर्षों से ये काम लंबित पड़ा हुआ है। हमारी 30,000 के लगभग जनसंख्या के लोग जो हैं इस पुल के अभाव के कारण बहुत कमी महसूस कर रहे हैं और इसमें जो समस्या है, अब हम तो सीधे सीधे आरोप लगाना चाहेंगे हमारे जो स्थानीय नेता हैं और PWD विभाग है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रायोरिटी पे नहीं ले रहे हैं, हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। या तो इनके नज़र में वो 3 करोड़ का बजट है, या तो इनके करोड़ में इनके जो दिमाग में है कुछ ना कुछ इनके दिमाग में ज़रूर चल रहा है। तो मैं मीडिया के माध्यम से मंच की तरफ से ये बताना चाहूँगा कि जितने भी PWD विभाग के पदाधिकारी ऐसे हैं या जो भी हमारे स्थानीय नेता ऐसे हैं जो इस बजट की तरफ ज़्यादा ध्यान देकर अपने लोगों को नजरअंदाज कर रहे हैं, उनको जो है ये मंच मुंह तोड़ जवाब देगा। उज्जवल हिमाचल के लिए नाहन से राकेश नंदन की रिपोर्ट।